इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं जबलपुर के सेठानी खान। मैं भी बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, पूजा पाठ तो बहुत देखी, लेकिन इतनी डूब के पूजा पाठ तो यही देखी है, आनंद आ गया। मंत्रों को भी संगीत के साथ, अपने धुनों के साथ साथ उनकी गहराई का एहसास करा करके अपने मुखारविंद से हम सब परमात्मा की दया से, और आप सब पूरे नर्मदा प्रवासी, आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। परमात्मा की कृपा से ये हमारे अपने भगवान ने पूरी पृथ्वी पे ही एक तरह से जीवन दे के बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन वो पूरे पृथ्वी पर ज्यादा आशीर्वाद भगवान का कहीं मिला तो ये भरत भूमि पे मिला है, भारत माँ पे मिला है, ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे मिला है। और इस सनातन संस्कृति के बलबूते पर हमारे अपने भरतवंशी दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में रहे, यहां हजारों हजार साल के हमारे संस्कारों के कारण, इस संस्कृति के कारण, परमात्मा के आशीर्वाद के कारण और भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति के कारण हमारी अपनी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक दिन एक उत्सव की तरह मनता है। हमारे अपने जीवन में प्रत्येक कहते 12 महीने हैं, लेकिन 32 त्योहार है, उसका जो आनंद है वही और संस्कृति होगी तो वो अपने लिए जो शरीर छोड़ता है उसको वो अपने लिए महत्व का दिन मानते हैं। हमारे यहाँ तो केवल जयंती मनाते हैं, जो आया है वो जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में उसके हाथ में परमात्मा जितना यश दे, जितना उससे श्रेष्ठ कर्म करा ले, जितना उसके माध्यम से अपने जीवन विदापुरम से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो इस सत्य को जान लेता है। तो नर्मदा जयंती पर यह कार्यक्रम और ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं नर्मदापुरम से। यहाँ पर भव्य रूप से आज नर्मदा जयंती पर बड़ा आयोजन किया गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और वे अपना संबोधन दे रहे थे, उन्हें आपने सुना। लेकिन कितनी भव्य दिव्य तरीके से यहाँ पर आरती माँ नर्मदा की गई। आज पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ माँ नर्मदा के घाट हैं वहाँ पर आयोजन किए गए हैं।